अभी मैं आप लोगों को नया गाड़ी जो आया है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो ये शब्द आप देख रहे हैं कि नया गाड़ी हम लोग का आ गया है कंपनी में, 10 गाड़ी अभी आया है फिलहाल और आएगा। तो चलिए अभी सामने से जाके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। ये हम लोग का देखिए मधुसूदन बारी, अभी हम लोग देखेंगे सामने से। ये देखिए दोस्तों, इसका डाला थोड़ा सा चेंजिंग है, स्कानिया मॉडल कर दिया है। मॉडल तो है वॉल्वो 460। तो ये होगा लगता है ये एड ब्लू, और ये होगा आपका डीजल टैंक के जगह में है दिया है साइलेंसर, देख रहे हैं इधर से आया हुआ है ऐसे करके, डीजल टैंक के जगह में दिया है साइलेंसर। और क्या चेंज किया है, हाँ इधर लाइट सब बना रहे हैं हम लोग का मिस्त्री, सब लाइट सब लगा रहा है, बना रहा है, खोल रहा है। तो और कुछ तो चेंजिंग नहीं है। हाँ बैटरी अपना जगह पर ही है, मतलब डीजल टैंक शायद ही बोलेंगे क्योंकि अभी ओपन नहीं किए हैं तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डीजल टैंक तो इधर ही में दिया होगा लगता है, यही होगा डीजल टैंक। उसको खोल के देखते हैं डीजल टैंक क्या होगा। हाँ डीजल टैंक है, देख रहे हैं डीजल टैंक है लेफ्ट साइड में, फास्ट एक्सल के पीछे तरफ में दिया है डीजल टैंक। ग्रीस का सिस्टम भी वैसे ही दिया है, और सब तो चेंज नहीं किया है कुछ भी, और सब चेंज नहीं किया है। डाला तो देखिए आप लोग, डाला का मॉडिफाई देखिए किस टाइप दिया है, स्कानिया का जैसे दिया हुआ है, स्कानिया का डाला हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए स्कानिया का 440 स्कानिया का इधर में है, तो उस टाइप का दिया है। इसका कैपेसिटी कितना है देखना पड़ेगा, इसका कैपेसिटी है देख सकते हो दिख रहा है, रुको थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम कर से नहीं दिख रहा है, 20.3 है, 190 bar है मतलब उसका कैपेसिटी। तो पहले वाला 170 था, नहीं 180 था, तो 190 कर दिया है, तो अभी 10 ज़्यादा है। तो आप लोग देख लिए होंगे, तो गाड़ी सब तो काफ़ी सुंदर लग रहा है बॉस। अब चलाने के बाद पता चलेगा कि इसका पिकअप कैसा है। तो अभी मंगलवार को हम लोग का ये उद्घाटन होगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को केबिन के अंदर का फंक्शन कैसे दिया है उसका फंक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक वीडियो में बने रहिए, अगला वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।